have you ever been to any hill station or desert if you have been to a hill station or a desert you must have observed the plants there you might have noticed that the plants in hilly areas are different from plants in a desert similarly plants in a desert are

वो डेजर्ट के प्लांट से डिफरेंट हैं और उसी तरह ही डेजर्ट के प्लांट जो हैं वो प्लेन एरियाज के प्लेन रीजन के प्लांट्स से डिफरेंट होते हैं नाउ यू सी वाई डज इट हैपन ऐसा होता क्यों है डिफरेंट रीजनस और प्लेसेस वेदर एंड सॉयल कंडीशंस फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स आर हॉट एंड हैव वेरी लेस वाटर वेर एज माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड हर तरह के अलग अलग एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं इन दिस टॉपिक वी विल कम टू नो डिफरेंट रीजन्स और प्लेस अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग रीजन्स में वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो अलग होती हैं और सॉयल भी अलग अलग टाइप्स की होती है Different regions or places have different weather and soil conditions. For example, deserts are hot and have very less water, whereas mountains are very cold. Plants growing in a particular region adjust themselves to the region by developing some features. These features help them survive. The process of developing Special features in the body to adjust in the surroundings is called adaptation. Cactus plants can survive in a desert because they can store water, but mango plants cannot. That is why we do not find mango plants in a desert. Due to adaptations, plants in different places look different.

टू द रीजन बाई डेवलपिंग सम फीचर्स दे डेवलप सम फीचर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द रीजन दीज फीचर हेल्प देम सरवाइव फिर वो जो उनके फीचर्स होते हैं कि जैसे कि गर्मी में रहने वाला प्लांट गर्मी में रह पाता है उसका रीजन क्या है क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर पाता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में नहीं रह पाते वो क्यों नहीं रह पाते क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर नहीं करके रख सकते और जब अगर वो पानी को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लेकिन जो प्लांट्स अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं वो पानी के ना मिलने की कंडीशन में अपने अंदर स्टोर्ड वाटर को यूज कर लेते हैं तो इस तरह से द प्लांट्स डेवलप द फीचर्स इन दियर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड द सिचुएशंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टशन जो प्लांट्स अपने अंदर अपनी बॉडी में स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स अपने आसपास की सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जब वो उनकी बॉडी में स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडप्टेशन यू मस्ट हैव सीन दैट कैक्टस प्लांट्स कैन सरवाइव इन द डेजर्ट एरियाज सो बिकॉज दे कैन स्टोर वाटर इन दियर बॉडीज वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं बट मैंगो प्लाट्स कैनॉट लेकिन मैंगो प्लांट अपने अंदर वाटर को स्टोर नहीं करके रख सकता देट इज़ वाई वी डो नॉट फाइंड मैंगो प्लांट्स इन अ डेजर्ट इसी लिए हमें कभी भी मैंगो के प्लांट्स डेजर्ट में नहीं मिलते हैं ड्यू टू एडेप्टशंस

वी कैन डिवाइड प्लांट्स इंटू टू कैटेगरीज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स एंड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहते हैं एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं नंबर वन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पाइन फर पीपल एंड नीम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक्टिक प्लांट प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्टिक प्लांट लोटस टेपग्रास एंड वाटर हायसिंथ आर एक्टिक प्लांट्स जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट जैसे कि पाइन फेर पीपल एक्सेट्रा जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल लोटस टेपग्रास etc.